जहां एक तरफ चुनावी राज्यों में तमाम विधायक और नेता दिल्ली दौड़ लगा रहे हैं, वहीं आज हम आपको एक ऐसे नेता के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने चुनाव लड़ने से ही साफ मना कर दिया। इतना ही नहीं, उनके समर्थक उनके पैरों में अपनी पगड़ी तक रखने को मजबूर हो गए, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए हामी नहीं भरी। राजस्थान के गुड़ा मलानी विधानसभा सीट से विधायक हेमाराम चौधरी के समर्थक उनसे चुनाव लड़ने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया है। हेमाराम चौधरी गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं। हेमाराम इस बात से निराश हैं कि वो जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए। ऐसे कई प्रोजेक्ट हैं जो अधर में लटके हुए हैं या फिर शुरू ही नहीं किए गए। 15 अक्टूबर को हेमाराम के समर्थकों ने महाकुंभ का आयोजन किया। इस आयोजन के दौरान लोग रो पड़े, यहाँ तक कि उनके पैरों में अपनी पगड़ी तक रख दी, लेकिन हेमाराम चौधरी चुनाव लड़ने के लिए राजी नहीं हुए। हेमाराम चौधरी पायलट गुट के वरिष्ठ नेता हैं। आज के वक्त में ऐसे कम ही नेता हैं जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा हो, जो बेहद ईमानदार हो, जिनके ऊपर एक रुपए के भ्रष्टाचार का भी आरोप ना हो। समर्थकों का कहना है कि हेमाराम जनता के लिए आधी रात भी हाजिर रहते हैं। यहां तक कि समर्थकों का कहना है कि हेमाराम चौधरी जैसा नेता उन्हें कहीं भी और कभी भी नहीं मिलेगा। वहीं हेमाराम चौधरी ने चुनाव ना लड़ने का कारण भी बताया। उनका कहना है कि जो वादे 2018 में उन्होंने किए थे वो उन्हें पूरा नहीं कर पाए। हेमाराम के मुताबिक उनके क्षेत्र में कई प्रोजेक्ट शुरू करने का उन्होंने जनता से वादा किया था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। जिन लोगों ने उन्हें विधायक बनाया उनके लिए वो कुछ नहीं कर पाए, इस बात का उन्हें दुख है। हेमाराम चौधरी कई बार कह चुके हैं कि वो साल 2013 में भी विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन राहुल गांधी के फोन पर आग्रह करने के बाद उन्होंने चुनाव लड़ा था, हालांकि वो चुनाव हार गए थे। साल 2018 में भी सचिन पायलट के कहने पर हेमाराम चौधरी ने चुनाव लड़ा। चौधरी सचिन पायलट के गुट से आते हैं। साल 2020 में सचिन पायलट ने जब बगावत की थी तो हेमाराम चौधरी उनके साथ खड़े दिखाई दिए थे। जब से उनके चुनाव ना लड़ने की खबर सामने आई है, उनके समर्थकों में काफी निराशा देखी जा रही है। हेमाराम का कद काफी बड़ा है। हेमाराम चौधरी कांग्रेस की तरफ से गुड़ा मलानी विधानसभा सीट से विधायक हैं। अब तक उन्होंने 8 बार चुनाव लड़ा है। हेमाराम चौधरी ने इन चुनावों में 6 बार जीत दर्ज की है। खास बात यह है कि इन्हें हमेशा बड़े अंतर से ही जीत मिली है। अशोक गहलोत की सरकार में ये कैबिनेट मिनिस्टर हैं। इससे पहले राज्य मंत्री के रूप में भी काम कर चुके हैं। राजस्थान में जब बीजेपी की सरकार थी तब ये नेता विपक्ष के रोल में थे। इन्हें सचिन पायलट गुट का एक महत्वपूर्ण और वरिष्ठ नेता माना जाता है। सचिन पायलट ने जब अपने समर्थकों और विधायकों के साथ बगावत की तब उनके साथ खड़े हुए दिखाई दिए थे। फिलहाल हेमाराम चौधरी अपने हट पर हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। देखना होगा उनका फैसला बदलता है या फिर नहीं।